गोरा चंद्र बोले जीव जागो जीव जागो गोरा चंद्र बोले जीव जागो जीव जागो गोरा चंद्र बोले কত নিদ্রা যাও মাযা পিসা কোলে ভাজিব বলিযা সে संसारा भिता रे भजीवी संसार भिता रे भूलिया रोहिले तूमी अविद्या भारे तुम्हारो लोहिते आमी होइनो अवतार तुम्हारा आमी बिना बंधुआ কে আছে তুমাা এনেছি আছে ও মাযা নাছে লাগি हरिनाम महामन्त्र लाओ तु मिमागी वेन्होदा प्रभु चरणे पडिया भकति विनोदा प्रभु चरने पडिया सै हरिणामन्त्र लिलो मगिया हरे कृष्ण हरे कृष्ण का कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण क्षण कृष्ण हरे 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 राम हरे रामा, राम रम हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय ओम विश्व परमस परिव्रज काचार्य श्रोत्र श्री श्रीमद्रय सभरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैश्वृंद की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुन राधा कुन गिरी गोवर्धन की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय हरिना संकीर्तन की जय समवेत भक्त वृंद की जय ऑल ग्लोरिस्ट दै संबल डिबोटी हरे कृष्ण ऑल ग्लोरिस्ट दयाल डिबोटी हरे कृष्ण ऑल टू श्री गुरु जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैतचंद्र जय गौरवृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैतचंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा चैतन्य चरता अमृत लीला अध्याय उन्नीस और श्लोक संख्या एक, एक सौ बत्तीस अध्याय का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश जय कथा सुनी महान तेर महासुख हो चैतन्य रे कृपा जाहे ताहे की जय कथा सुनी महान तेरा महासुख हो चैतन्य रे कृपा जाहे ताहे की विस्वाय ये कथा सुनी महान तेरा महासुख हो चेतन्य कृपा जाहे ताहे की विस्म माताएं यही कथा सुनी ये, ये समाचार सुनकर महान तेरा सभी भक्तों को महासुख महा अत्यंत आनंद हो हुआ चैतन्य रा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कृपा जाहे जिस पर ताहे उसमें की क्या विस्मय आश्चर्य अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद द्वारा जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गण रूप तथा सनातन गोस्वामियों के कार्यों के विषय में सुनते तो वह कहते उस व्यक्ति के लिए कौन से विषमय की बात है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी है तात्पर्य सुनिये शिल प्राध्य के द्वारा शिलरूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी का कोई साई निवास स्थान नहीं था वह किसी एक वृक्ष के नीचे केवल एक दिन रहते और प्रचुर दिव्य सहायता की रचना करते वह ना केवल पुस्तकों की रचना करते अभी तो जप करते नृत्य करते कृष्ण के विषय में चर्चा करते और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करते इस तरह वे भक्तिमय सेवा संपन्न करते वृंदावन में प्राकृत सहीज्या है जो ये कहते हैं कि पुस्तकें लिखना तो दूर पुस्तकें छूना भी निषिद्ध है उनके लिए भक्ति का अर्थ है इन कार्यों से मुक्ति पा जाना जब उनसे वैदिक साहित्य का पाठ सुनने को कहा जाता है तो वह ये कहकर मना करते हैं हमें दिव्य साहित्य के पढ़ने या सुनने से क्या प्रयोजन ये तो नौ सिखियों के लिए है वे अपने आप को इतना उच्च समझते हैं कि पढ़ने लिखने तथा सुनने में वे शक्ति व्यय करना नहीं चाहते किंतु शिल रूप गोस्वामी के मार्ग निर्देशन में शुद्ध भक्तगण इस दर्शन को रद्द करते हैं यह निश्चित रूप से सही बात है कि धन या यश के लिए ग्रंथ की रचना नहीं करनी चाहिए किंतु जनता को ज्ञान देने के लिए पुस्तकें लिखना तथा छापना भगवान की वास्तविक सेवा है यही मातृशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती का था और उन्होंने अपने शिष्यों से पुस्तक लिखने के लिए विशेष रूप से कहा है वे मंदिरों की स्थापना करने के स्थान पर पुस्तकें प्रकाशित करना अधिक पसंद करते थे मंदिर तो जनता तथा नौसेखी भक्तों के लिए बनवाए जाते हैं किंतु महान तथा शक्ति प्रदत्त भक्तों का काम का पुस्तकें लिखना उन्हें छापना तथा उनका व्यापक रूप से वितरण करना है शिल भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के अनुसार पुस्तक वितरण बड़े मृदंग को बचाने के समान है इसलिए हम अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ के सदस्यों से अधिकाधिक अधिक पुस्तकें छापने और संसार भर में वितरित करने के लिए अनुरोध करते हैं इस तरह रूप गोस्वामी के पच्चरों पर चलकर मनुष्य रूपानुग बन सकता है ओम अज्ञान श्री चैतन्य मनोभ सात ये भूतले स्वयं रूप कदा दधाई स्वताको्य कृपा सिंधुभ्य पति पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगत रूप तथा सनातन गोस्वामी के कार्यों के विषय में सुनते तो वह कहते उस व्यक्ति के लिए कौन सी विस्मय की बात है जिससे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी है तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि असंभव कार्य भी संभव हो जाता है और महाप्रभु की कृपा ना हो तो संभव कार्य भी असंभव हो जाता है नहीं और ये कृपा इनको प्राप्त थी शिलारूप गोस्वामी को शिला सनातन गोस्वामी को षठ गोस्वामी अष्टा में क्या लिख रहे हैं श्रीनिवास आचार्य नाना शास्त्र विचार नहीं सर्धर्म संस्थापको लोका नाम हितकारिण त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो राधा कृष्ण भज भजना नंदे उसके बाद क्या है राधा कृष्ण पदार विंद भजना नंदे मत्तालिको वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्री जीव गोपाल तो नाना शास्त्र में ये क्या थे निपुण थे दक्ष थे ग्रंथों की रचना करने में ग्रंथों को प्रस्तुत करने में शिलरघ गोस्वामी ने लगभग एक लाख श्लोक लिखे हैं और जी गोस्वामी ने लगभग चार लाख श्लोक लिखे हैं इसके बारे में हमारे बारे में जरूर लिखा है और भगवत तत्व के बारे में भी लिखा है यानी हमारे बारे में क्या लिखा है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है वास्तविक संबंध क्या है कृष्ण से लिखा है नहीं भगवत तत्व के बारे में इतने विस्तार से व्याख्या और किसी भी संप्रदाय में किसी भी ग्रंथ आप में नहीं मिलेगा आपको जो हमारे गौड़े वैष्णव संप्रदाय में मिलता है इतना बड़ा खजाना है इतना बड़ा ट्रेशर है हमारे पास ग्रंथों का जो आपको किसी भी संप्रदाय में इतनी भारी मात्रा में नहीं मिलेगा और आज के समय में श्रील प्रभुपादी की कृपा से हमारी संस्था में जितने ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं और किसी संस्था में ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं प्रमाणिक जो गौर वैश्विक संप्रदाय के जो ग्रंथ ये हमारा फैमिली बिजनेस प्रभुपाद जी ने कहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज और फैमिली बिजनेस हमारा क्या ये फैमिली बिजनेस है यानी फैमिली बिजनेस होता है इनहेरिटेड होता है वंश परंपरा जिसको कहते हैं लोग बिजनेस इनहेरिट करते हैं बड़े बड़े उद्योगपति के जो बच्चे हैं जैसे मुकेश अंबानी के पिताजी थे धुरु भाई अंबानी और उनके लड़के हुए मुकेश अंबानी उन्होंने बिजनेस को और किया और आज भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं तो इसी तरह से हम लोगों को भी धनी बनना है परंपरा का ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करके एवं परंपरा प्राप्त इमुह इसलिए जब शिल भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने राधा कुंड में श्री प्रोपा जी को कहा जब भी आपको धन मिले पुस्तकें छापना प्रभपा ने इस बात को इतना जो है गंभीरता से ले लिया केवल अंग्रेजी भाषा में नहीं छापा बल्कि आज लगभग 80 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में इन ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है ये जी का योगदान है प्रभुपा जी की भेंट है पूरे संसार भर के लिए सबसे बड़ा अनमोल भेंट जो शिल प्रभुपाद ने दिया है वो उनकी पुस्तकें हैं उनका ग्रंथ है कृष्ण भावना का ये अनुपम भेंट है प्रभुपा जी का पूरे विश्व भर के लिए चैतन्य मनोभिष्टम साबित ये न भूतले स्वयं रूप कदाम ददाती स्वपदांतिकम चैतन्य महाप्रु का मनोभिष्ट पूर्वक के शिल रूप गोस्वामी ने और पूरे भूतल में साबित किया किसके माध्यम से शिला प्रभुपा जी के माध्यम से एक ग्रंथों का वितरण करके शिल रूप गोस्वामी ने कहा था शिल जी को राधा दामोदर मंदिर में ये महान कार्य आपके द्वारा होगा जब जब आप चेतन चरतामृत तो और शिल भक्ति श्री भक्ति सामर्थ सिंधु ग्रंथ से पाठ करेंगे तब तक आप तब तब, तब आप मुझे अपने नजदीक पाएंगे और आज देखिए इन ग्रंथों का प्रकाशन इतनी भाषा में हो चुका है पूरे विश्व में कहीं भी जाइए आप जैसे हमने पिछली बार बताया था कि हर सात सेकेंड में जी के ग्रंथ जो है कहीं ना कहीं वितरित हो रहे हैं एवरी सेवन सेकंड एवरी सेवन सेकेंड हर सात सेकंड में नहीं हर सात सेकंड में जैसे सूर्य उदय हो, हो रहा है सूर्य उदय हो, हो चुका है आज तो कहीं अंधेरा है हर जगह सूर्य दिखता नहीं है लेकिन शिल प्रभुपा जी के ग्रंथ जो है हर जगह दिखते हैं नहीं गंगा जी जो है केवल भारतवर्ष में ही नजर आते हैं लेकिन विश्व के किसी कोने में गंगा जी नजर नहीं आते हैं लेकिन शेलर के जो ग्रंथ है वो पूरे विश्व भर में वितरित हो रहे हैं पूरे विश्व भर में पढ़ रहे हैं ये तो कृष्ण तो रूपी गंगा है जैसे कि उन्होंने बताया था पेजावर जो आए थे यहां पे पेजावर उनका नाम भूल गया मध्वाचार्य जो व्यासपीठ के यहाँ पर आए थे पेजावर पूरा नाम याद नहीं आ रहा मुझे तो पे वो जो थे वो आचार्य आए थे यहाँ पे बैठे थे व्यास आसन में उन्होंने बहुत सुंदर बात बोली थी उन्होंने कहा कि क्या बोला उन्होंने उन्होंने कहा कि भागीरथ जी गंगा जी को लेकर आए इस पृथ्वी में लेकर आए लेकिन शीला ने भक्ति रूपी गंगा को जब पूरे विश्वभर में लेके गए इसे शिलुपा जी से पूछा कि आपका मिशन क्या है आप किस उद्देश्य से आए उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म मध्वा संप्रदाय की पुनः स्थापना करने के लिए आए हूं पूरे विश्व भर में सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के मंदिर बनाए थे पूरे पृथ्वी में वो सब मंदिर लुप्त हो गए तो जहां जहां ब्रह्मा जी ने मंदिर बनाए थे उन्हीं सभी स्थानों में प्रभुपा जी ने कहा कि मैं मंदिर बना रहा हूं पुणे ब्रह्म संप्रदाय श्री ब्रह्म मध्वा गौड़ संप्रदाय की पुणे स्थापना कर रहा हूं मैं पूरे विश्वभर में यह है प्रभुपा जी का चमत्कार नहीं दक्षिण भारत के एक मायावादी सन्यासी थे और उनको हमारे एक प्रभुपा जी के शिष्य ने दिखाया था चेतन शर्ता में और उसका जो फ्रंट पेज है जहां श्रील प्रभु जी का फोटोग्राफ है प्रभुपा जी का चेहरा देखकर उस सन्यासी ने कहा मायावादी सन्यासी के तीन हजार से अधिक शिष्य थे और उस सन्यासी ने जब देखा हालांकि वो मायावादी सन्यासी था लेकिन फेस रीडिंग में बड़ा एक्सपर्ट था और से प्रवोपा जी का चेहरा देकर पढ़ लिया और प्रभुपा जी को देकर कहा क्या कहा दिस मैन दिस आचार्य हीज फोर इन वन चारों वैष्णव आचार्य जो हैं एक व्यक्ति में समावेश हो चुका है श्रीपाद रामजाचार्य श्रीपाद विष्णु स्वामी श्रीपाद निबार का आचार्य श्रीपाद और कौन है <laughs> श्री नहीं नहीं शंकराचार्य <laughs> श्रीपाद निम्बार का आचार्य चार वैष्ण आचार्यों का समावेश यानी कि चार आचार्यों की शक्ति एक ही व्यक्ति में है वो है श्रीलो जी फोर इन वन है श्रीलो प्रभुपाद और सीधा मायापुर में एक शिष्य ने कहा कि प्रभुपाल स्वरूपगंज के एक बहुत बड़े जोशी ने कहा है आपका बर्थ चार्ट देखकर एट द प्रेजेंट एट द प्रेजेंट मूवमेंट यू आर द मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअल पर्सनालिटी ऑन द अर्थ प्रभुपाल ने कहा यस आई मस्ट बी आई एम कृष्णा रिप्रेजेंटेटिव और उसके बाद प्रभुपति के डिस ने कहा कि जोशी ने यह भी बताया है कि आप ऐसे घर का निर्माण करेंगे जिससे पूरा विश्व जो है निवास कर सकता है प्रौपा का वो तो हमने कर ही दिया है ये देखिए प्रौपा जी को चमत्कार है प्रौपा जी की शक्ति है कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन कली कालेगर धर्म हरिनाम संकीर्तन जब तक कृष्ण की शक्ति ना हो तब तक आप किसी के हृदय में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं असंभव है प्रचार करना जो है सबके बस का नहीं है प्रभुपाद जी से पूछा आपके जैसे प्रभुपाद कितने शुद्ध भक्त हैं? प्रभुपाद ने कहा सैकड़ों शुद्ध भक्त है मेरे जैसे लेकिन नॉट ऑल एफ दम आर सभी जो है प्रचारक नहीं है याद रखिएगा।

स्पेंड स ऑफ ब्लड टू मेक वन डिवोटी एक भक्त बनाने में गैलेंस ऑफ ब्लड लग जाते हैं इतना आसान नहीं है किसी जीव को जो है माया के चुग्गल से छुटकारा दिलाना देवई शुण मई मा माया दुर्या मामे वे माया मेहताम तरंती थे ये जो तो त्रिगुणमयी माया है ये जो तो देवी प्रकृति है भगवान कह रहे हैं इसको पार करना बड़ा कठिन है दुष्कर है लेकिन जो शरणागत है उनके लिए बड़ा आसान है इसको पार करना मामे वनते माया मेहताम तरन्ती थे शिल प्रभुपा जी का चमत्कार है प्रभुपा जी ने हमें जो ग्रंथ दिए हैं है ये सबसे बड़ा गिफ्ट है पूरे मानव समाज के लिए पूरे ह्यूमैनिटी के लिए देखिए बाहर के लोग ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं ये जो ग्रंथ है नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग उनको देते भी है तो बहुत समय लगता है उनको पढ़ने में लेकिन अगर भक्त राय ग्रंथों को पढ़े यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इसलिए प्रभुपा जी ने कहा कि आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग कृष्ण भावना भावित नहीं बन रहे हैं लेकिन यह दुर्भाग्य की बात हो गया कि लोग आकर भी जो है कृष्ण भावना भावित ना हो और छोड़ के चले जाए संस्था को इसलिए जो है आपका जो है सबसे बड़ा जो है योगदान है पूरे मानव समाज के लिए इसलिए चेतन चरतामत में लिखा है भारत भूमि मनुष्य जन्म जा रन्म सार्थक करी कर परोपकार इस भारत भूमि में जिसने भी जन्म लिया है मनुष्य जन्म लिया है अपना जीवन सार्थक बनाकर उसको परोपकार के कार्य में लगना चाहिए यह आप सबके लिए बहुत जरूरी है आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है खासकर जो युवा पीढ़ी अवस्था में है युवा अवस्था में है उनको तो एडी के बल चलना चाहिए और ग्रंथों का वितरण करना चाहिए अब नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे और कल नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे जो करना है आज करो कल करे सो आज आज करे सो अब अभी करिए अभी करिए अगर आपको कृष्ण भावना भावित होना है आप जानते रशिया में जब प्रीचिंग शुरू हुआ था 1977 में 71 में जब शील जी गए थे और के कुछ सालों के बाद शिल जी ने हरिकेश महाराज को भी भेजा था वहां प्रचार के लिए और भी कई वहाँ पे पे गए 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 थे 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 सन्यासी थे और थे। और वहाँ पे था ने हमारे गुरु महाराज को आज्ञा सुनील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को आज्ञा दी कि आप भी जाइए रशिया इन ग्रंथों का वितरण करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करिए लेकिन आप जो है इस भक्त के वेश मत जाइए अब सूट पहन के जाइए और आप वहां जाइए एक बिजनेस वेंचर के नाम से आप बिजनेस वेंचर की तरह जाइए और बिजनेस कार्ड बनाइए भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट को आप रिप्रेजेंट करिए इस कॉल को नहीं तो ये जो है उस समय क्या था कि हरिकेश महाराज वहां के जीबीसी थे तो नेचुरली महाराज ने कहा कि वहां के जीबीसी है तो अच्छा है कि उनसे कॉपरेट करके चलना अच्छा है तो उन्होंने फिर हरिकेश महाराज को बोला हमारे महाराज ने कि, कि इस तरह से शिल प्रभाव महाजी ने मुझे आज्ञा दी है रशिया में जाने के लिए तो हरिकेश महाराज बहुत चिंतित हो गए क्योंकि रशिया में तो कट्टर कम्युनिज्म है वहां प्रीचिंग करना जो है बहुत खतरा है तो जी के पास गए प्रभुपाद वहां पे बहुत मुश्किल है प्रीचिंग करना कम्युनिज्म बहुत ज्यादा कट्टर कम्युनिज्म है और अगर देखेंगे कि ये प्रचार कर रहे हैं तो तुरंत ही वो अरेस्ट कर लेंगे वहां पर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू तो प्रीच इन रशिया उस समय जब कम्युनिज्म था तो जानते फिर क्या हुआ प्रभुपाल जी ने क्या बोला प्रभुपाल ने कहा यू डू द प्रीचिंग <laughs> गए uh, तो थे और उस समय प्रैक्टिकली बुक्स स्मगल किए गए थे यहां से रशा जब ले जाया गया था ग्रंथों को स्मगल करके लेके जाना पड़ा था और एक बिल्डिंग के बेसमेंट में वहां पे एक प्रिंटिंग मशीन जो है वहां इंस्टॉल किया गया था और जानते क्या हुआ जो हमारे भारत ने वो देखा और देखते ही उसने मशीन को दंडवत किया और दंडवत करने के बाद जानते क्या किया उसमें से इंक लिया और अपने माथे में लगाया भक्तों ने पूछा कि महाराज महाराज तो उसमें नहीं थे महाराज उस समय बोले कि प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं माथे पर इंक क्यों लगा रहे हैं ये तिलक थोड़ना है उन्होंने कहा कि दिस प्रिंटिंग मशीन विच इज प्रिंटिंग द बुक्स ऑफ दिस इज एज एज गुड इसलिए इससे जो इंक मैं अपने माथे पर लगा रहा हूं दिस इज एज गुड एज वैश्व तिलक तो कहने का मतलब यह है कि ये क्या भाव देखिए उनका इन भक्तों का शिल प्रभुपा जी ने तो क्या ही समर्पण अपने गुरुदेव को उनके शिष्य ने जो समर्पण किया है वो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है क्योंकि इतने कम समय में नहीं तो यह सफलता नहीं प्राप्त होती आप क्या सोच रहे हैं कि ग्यारह साल में जो है एक ही जगह बैठ के जो है प्रभुपा जी ने प्रचार कर दिया नहीं इस विश्व घर की यात्रा करनी पड़ी प्रभुपाद जी को और साथ उन्होंने अपने शिष्यों को भी भेजा जगह जगह गए गए समर्पण समर्पित भाव से लोग गए पूरे विश्व भर की उन्होंने यात्रा की और आज देखिए पूरे भर में इतनी बड़ी क्रांति आ रही है इसलिए एक हाथ से कभी ताली नहीं बसती याद रखिएगा हमें ग्रंथ प्राप्त हो गए हैं प्रभुपादी ने कुकिंग कर दिया है प्रभुपाद जी ने भोग लगा दिया है प्रभुपादी ने प्लेट और प्रसाद भी डाल दिया है अगर हमें बांटना नहीं आता है तो धिकार है हमारे ऊपर लानत है मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने आपने आपको तो दूसरों को तो धोखा दिया ही है और सबसे बड़ा धोखा हम खुद अपने आप को दे रहे हैं अगर हम कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो इसलिए भगवान ऋषभदेव ने क्या बोला है तबो दिव्य पुत्र का ये ब्रह्म अस्मतम तो अनंतम ये मनुष्य जीवन जिसको मिला है उसको दिव्य तपस्या करनी चाहिए कुत्ते बीले की तरह जीवन नहीं बिताना चाहिए मलमूत्र त्यागने के लिए केवल ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है मलमूत्र तो बाकी पशु बने में भी त्यागा जाता है अगर अपना जीवन केवल मूत्र त्यागने के लिए हम बिता रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है तो इसलिए ये दिव्य तपस्या हमें करनी पड़ेगी ट्रांसडेंटल ऑस्टेरिटी गुरु की प्रसन्नता के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए परंपरा की प्रसन्नता के लिए वैश्विक की प्रसन्नता के लिए ये देखिए जी का भाव देखिए प्रौपा जी बता रहे हैं, इन मंदिरों को बनाने का जो है उद्देश्य क्या है पर्पस क्या है नहीं? जितने ही मंदिर बनाए जा रहे हैं दिल्ली में बनाए जा रहे हैं विश्वभर में कहीं भी बनाए जा रहे हैं उसका पर्पस यही है संकीर्तन यज्ञ इससे आप सभी को भाग लेना है अगर आप यज्ञ में भाग नहीं लेंगे तो बुरा मत मानेगा हम यज्ञ में भाग ले लेंगे तो क्या होगा हम शूद्र के शूद्र ही रहेंगे क्योंकि कलयुग में शूद्रता की प्रधानता है वैष्णव नहीं तो कम से कम ब्राह्मण बनने का प्रयास करें और जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक हम वैष्णव नहीं बनेंगे जानते हैं आप इसलिए बहुत जरूरी है ग्रंथों का वितरण तो शिला प्रव बाजी जब भी अनुवाद करते थे रात को ग्रंथों का अनुवाद करते थे संस्कृत भाषा से प्रवप्बा जी बीच बीच में पॉज करते थे और शिष्य पूछते कि बीच-बीच में आप क्यों रुक जाते हैं ट्रांसलेशन करने में आपको दिक्कत आती है क्या प्रभुपा ने कहा मुझे ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आती बोलते हैं लेकिन ये जो मैं एक एक शब्द इसमें जो डाल रहा हूं पूरे मानव समाज के लिए डाल रहा हूं इसलिए मुझे ये देखना होता है कि एक एक शब्द मैं डाल रहा हूं वो सबको समझ में आए नहीं आप देखिए गोस्वामी ग्रंथों की बात कर रहे थे जैसे हमने बताया रूप गोस्वामी शिलजी गोस्वामी इन सभी लोग ग्रंथों ने को लिखा है प्रवोपाजी ने कहा टू अंडरस्टैंड गोस्वामी ग्रंथस विल टेक हंड्रेड इयर्स सौ साल आपको लग जाएंगे इन ग्रंथों को समझने के लिए गोस्वामी ग्रंथों को समझने के लिए प्रवपाजी ने इट इज वेरी वेरी टफ संस्कृत भाषा इतनी टफ है उसमें कि साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है उसको तो मानव समाज के कल्याण के लिए यह कार्य कैसे किया जाएगा इसलिए गोस्वामियों की कृपा है इन आचार्यों की कृपा है कि उन्होंने सारी कृपा शिल जी को दी है कि प्रभुपा जी ये कार्य करें उन्हीं गोस्वामी ग्रंथों का निचोड़ इन आचार्यों की जो टीकाएं हैं उसका निचोड़ शिला प्रभुपा जी ने सरल से सरल भाषा में अपने ग्रंथों में दे दिया है अगर वो भी हम नहीं पढ़ सकते हैं इसका मतलब क्या है कि हम मनुष्य भी नहीं है इतनी सरलता से प्रभुपा जी ने कृष्णा कॉन्श फिलोस को प्रेजेंट किया है आज तक किसी ने रिप्रेजेंट किया है आप देखिए शिल भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर की किताबें उठा के देखिए शिल भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर की किताबों को लेकर एक बार क्या हुआ एक बार शिष्य ने पूछा कि प्रभुपा जी आपने कहा कि ब्रह्म संहिता जो ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और आपके गुरुदेव ने वो ग्रंथ लिखा है और इस, इसको पढ़ने से हमारा जो है जो कृष्णा कॉन्शियस कॉन्शियफी है वो बहुत क्लियर होगा प्रभुपा जी ने कहा बात सही है लेकिन आप मेरे गुरुदेव की किताबों को नहीं समझ पाओगे क्योंकि लैंग्वेज इज वेरी वेरी टफ प्रभुपाधी ने कहा ये जो मेरे गुरुदेव ने किताबें लिखी हैं, ये मेरे लिए लिखी हैं और मैं उन किताबों को समझ पाया हूं तो कहने का मतलब यह है कि इतना आसान नहीं है अगर पढ़ेंगे उनकी टीचिंग्स को पढ़ेंगे राइटिंग्स को पढ़ेंगे भक्ति सिद्धांत महाराज की और गोस्वामी लिटरेचर तो पढ़ेंगे आप इट इज वेरी वेरी टफ ऑलडरी आदमी तो समझ नहीं सकता है इसलिए श्रील प्रभुपा जी ने इतना सरल भाषा में प्रभुपा जी ने जो है इंग्लिश को प्रेजेंट किया है अगर हम 1944 फोर्टी फोर बीटीजी में देखें भक्ति रसाम सिंधु का प्रभुपा जी ने ट्रांसलेशन शुरू किया था वर्ड टू वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन एंड जैसे भगवत गीता का भागवतम का है ऐसे जी भक्ति रसाम सिंधु को ही करना चाहते थे जिसमें दो हजार दो सौ उन्नीस लोक है तो प्रभुपा जी वो ग्रंथ अनुवाद करना चाहते थे और उस समय नाइनटीन फोर्टी फोर बीटीजी में प्रभुपा जी का अब इंग्लिश देखिए जो प्रभादी ने इंग्लिश जो चेंज किया है स्टाइल जो चेंज किया है वो इसको शुरू करने के बाद किया है लेकिन अर्ल, जो अर्ली फोर्टीज में या 1944 की बात है वो बीटी जी उठा के देखिए उसमें जो बीटी जी का उसमें जो भक्ति रथाम सिंधु का ट्रांसलेशन है उसका लैंग्वेज ही अलग है प्रहुपादी का स्टाइल ही अलग है वो बिल्कुल ब्रिटिश इंग्लिश है तो प्रभुपादी ने चेंज किया और प्रभपादी इसने सिंपल सिंप्लीफाई करके लैंग्वेज को प्रेजेंट किया ताकि हम जैसे मूर्ख लोग जी इसको समझ सके अपने आप को मानना पड़ेगा कि यह मूर्ख है सबसे पहले तो

यह आप सबकी जिम्मेदारी है आप इस संस्था के भविष्य है समझिए आप संस्था के इस आंदोलन के भविष्य आज सब है अगर आप इस संस्था के इस उद्देश्य को गंभीरता से नहीं समझा जो कि प्रभु जी ने अपने ग्रंथों में बताया है इन सिद्धांतों को बताया है तो फिर कौन समझेगा बताइए परंपरा प्राप्त का मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है परंपरा का प्राप्तन का मतलब है उस ज्ञान के पीछे जो भाव है मनोभाव है आचार्यों का उसको स्वीकार करना होगा यानी कि अनुकूल इन कृष्ण अनुशील भक्ति रूप यानी कि उसमें जो फेवरेबल इंटेंट है उसके पीछे जो मूड है आचार्यों का वो सबसे महत्वपूर्ण है स्वीकार करना तब आप परंपरा में है समझ रहे हैं आप अब इस हर भक्त जो है परंपरा में है कैसे जब आप परंपरा की जो टीचिंग्स है उस टीचिंग्स के पीछे जो मूड है उसके पीछे जो भाव है उसको जब स्वीकार करेंगे आप समझ रहे है? ये नहीं कि आचार्यों ने निशील प्रभुपाद ने ग्रंथों के वितरण पर जोर दिया था वो समय अब पूरा हो गया मंदिर सारे बन चुके हैं नाउ वी आर सेटल अब और ग्रंथ बांटने की आवश्यकता नहीं है दिस इज ये क्यों भगवान गीता में कह रहे यज्ञ दान तपस्या कभी नहीं त्यागना चाहिए यह महात्माओं को भी पवित्र करता है तो क्या हम महात्मा बन चुके हैं अगर महात्मा बन चुके हैं तो यह आपके लिए आवश्यक है और महात्मा नहीं बने तब तो बहुत ही आवश्यक है या शास्त्र विद्री जी वर्तते कामकार ना सा सिद्धिप्त होती न सुखम न पराम होती जो शास्त्रों की मेलना करता है उसको सिद्धि नहीं प्राप्त होती है सुख नहीं प्राप्त होता है वो अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है भटकता रहता है चौरासी लाख यूनियो में या इसी तरह से रोना पड़ेगा जैसे बच्चा रो रहा है जन्म लो फिर से रो नौ महीने मां के पेट पर पे रहो और वहां पे सड़ते रहो और निकलने के बाद भी सड़ते रहो हमेशा के लिए ये दुख भरा संसार है ये दुखालय है इसे निकलना होगा हम सबको बाहर तो एक आप कुछ घटनाओं का वर्णन हम करना चाह रहे हैं आपके सामने एक घटना है जिसमें भक्त लोग ग्रंथों का वितरण कर रहे थे एक गाड़ी रुकी और गाड़ी के अंदर उन्होंने क्या देखा रविशंकर जी का फोटो देखा श्री श्री रविशंकर का चित्र देखा और वो लेडी थी गाड़ी के अंदर लेडी ने कहा कि आप क्या बांट रहे हैं भक्त ने कहा कि मैं ग्रंथ बांट रहा हूं कितनी किताबें आपके पास तो भक्त ने कहा मेरे पास लगभग पचपन किताबें हैं लेडी ने कहा सारी किताबें मुझे दे दो देखिए पचपन किताबें एक साथ ये तो लॉटरी लग गई यार एक ही झटके में पचपन गीता निकल गई तो लेडी ने से पूछा कि आपने किताबें इतनी सारी किताबें क्यों ले ली जानते हैं हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने कहा है अगर आप जानना चाहते हैं कि गुरु निष्ठा क्या होती है गुरु कैसे गुरु के लिए प्रेम क्या होता है तो आप शीला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपा जी की भगवदगीता जरूर पढ़ेगा उनकी किताबें पढ़िए आपको पता लगेगा गुरु निष्ठा का क्या मतलब होता है इसलिए मैं आपसे एक ग्रंथ खरीद रही हूँ सारे की सारी किताबें ले ली देखिए बाहर के लोग भी एक व्यक्ति नहीं मिलेगा संसार में जो प्रभुपा जी की बुराई कर रहा हो जितने भी बड़े बड़े पर्सनैलिटीज हैं वो सब प्रभुपा जी का अप्रिशिएट करते हैं इसलिए प्रभुपा जी की गीता पढ़कर लोग बोलते हैं अरे इसमें तो जो है आप भक्ति की चर्चा कर रहे हैं हर जगह कृष्ण कृष्ण क्रिष्� करते रहते हैं आप प्रभुपा जी ने कहा कि ऐसे कई श्लोक हैं जहां पर आपने भक्ति की चर्चा नहीं की है तो उसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा प्रभुपाध्य इसलिए मैं हर श्लोक में भगवत गीता में भक्ति की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आपने कई श्लोकों में भक्ति की चर्चा नहीं की है क्योंकि भगवत गीता का सब्जेक्ट मैटर क्या है भक्ति है भक्ति योग है इसका तो इस तरह से और एक घटना बताते हैं मोहम्मद अली की लॉस एंजलिस एयरपोर्ट में एक बार मोहम्मद अली आया और मोहम्मद अली को जो है किताब दिखाई एक भक्त ने और मोहम्मद अली ने जो है इस किताब को खोला क्योंकि वो मोहम्मद अली कहता था आई द ग्रेटेस्ट जानते उसको जीवन के अंतकाल में पार्किंसन हो गया था और वो कब भी उठा नहीं पाता था उसके हाथ कांपते थे तो मोहम्मद अली कहता था, था अपने आप को आई एम ग्रेटेस्ट और उसके हाथ में भक्त ने भगवत गीता दी और जैसे ही भगवत गीता खोली मोहम्मद अली ने पता नहीं कैसे बोला ये मोहम्मद अली ने प्रभाजी का चित्र देखा और प्रभुपाजी का फोटो देखकर बोला मोहम्मद अली ने एक्चुअली आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट ही इज द ग्रेटेस्ट प्रभुपाजी के लिए बोला मोहम्मद अली ने कि आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट ही इज द ग्रेटेस्ट तो कहने का मतलब देखिए हम ये अगर चाह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग जो है विश्व के बड़े बड़े लोग जो पूरे विश्व भर में यशस्वी हैं फेमस हैं पॉपुलर हैं वो लोग भी प्रबुपाजी के रिस्ट को समझ रहे हैं आज आपके लिए खुशखबरी है सुनिए एक और बात शायद आपको नहीं पता होगा आंध्र प्रदेश के एक फिल्म मेकर है स्क्रिप्ट राइटर है जो इस बार आए थे वृदान में आए थे उन्होंने प्रवोपा जी के लाइफ स्टोरी के ऊपर पूरा स्क्रिप्ट लिखा है और उसका फर्स्ट फेस भी भक्ति चारों महारा ने अप्रूव किया है और आपकी खुशखबरी आपकी प्रसन्नता के लिए बताना चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी मूवी बनने वाली है शीला प्रभा जी के ऊपर हॉलीवुड में और हॉलीवुड में शिला प्रभा जी की मूवी बनेगी लगभग साढ़े सात सौ सा करोड़ का इसका बजट है और आप देखिए फिर क्या चमत्कार होता है एक बार हॉलीवुड में मूवी बन जाए शिल प्रभुपा जी की तो बस चारों तरफ शिला प्रभुपा जी की जय होगी शिल प्रभुपाद की जय वो समय दूर नहीं है प्रौपा जी की भविष्यवाणी सच होगी चेतना है महाप्रो की भविष्यवाणी सच होगी पृथ्वी में जितने भी नगर आदि ग्राम हैं सब जगह मेरे नामों का प्रचार होगा आज देखिए आप कितनी जगह मंदिर बनने लगा जोधपुर में भी सोलन हुआ है अब ये अलीगढ़ गए थे वहां पर डीटी इंटॉल्यूशन हुआ है और उसके बाद देखिए भादुर में मंदिर में मंदिर बन गया है रोहिणी में मंदिर बन गया द्वारका में मंदिर बन रहा है वहां लीला प्रो यहां बैठे हुए हैं छिपीवाड़ा में मंदिर का निर्माण हो चुका है सब जगह मंदिर बन रहे हैं नगर नगर गाँव गांव हरिनाम हो रहा है इन मंदिरों के माध्यम से क्या होगा हरिधाम का वितरण होगा और उन ग्रंथों का वितरण होगा वास्तव मंदिर बनाना जो है वो अल्टीमेट एम नहीं है मंदिर बनाने के बाद तो असली कार्य शुरू होता है बिगनिंग वो शुरुआत है बिल्कुल वैसे ही है कोई दीक्षा ले लेता है यज्ञ बैठ कर तो ये तो सोचे कि मैं दीक्षित तो मैं सोने जा रहा हूं वो तो बिगनिंग है स्पिरिचुअल लाइफ का इसी तरह से मंदिर बनाना भी ये दीक्षा ही है इनिशिएशन कृष्ण भावना की ये दीक्षा है और दीक्षा होने पर यानी कि मंदिर का निर्माण होने पर मंदिर खुलने के बाद अब कार्य असली शुरू होगा हो असली एजेंडा तो अब हम पूरा करेंगे समझ रहे आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो दूसरा एक व्यक्ति क्या था एक व्यक्ति मिला था मोती बाग में भक्त लोग ग्रंथ बांट रहे थे और व्यक्ति आया तो उसने कहा कि मुझे पांच किताबें दो एक पिछले साल पहले उसने उसको एक बोटी ने भगवत गीता दी थी और वो जा रहा था न्यूजीलैंड और फ्लाइट में उसने काफी हद तक वो भगवत गीता पढ़ ली और वहां जाके न्यूजीलैंड गया ऑकलैंड में गया ऑकलैंड था विलिंगटन था वहां जाके फिर वो टेम्पल गया में, सिग्नल में और भक्त को देकर कहा इधर आओ इधर आओ मुझे पांच गीता दे दो कमाल खुद ही बुला के बोल रहा है कि मुझे गीता दे दो, दो कि ऐसा तो कमाल हो जाएगा अगर आप गीता लेके जाए संडे को और सब बुला बुला के बोले ले लो ले लो ले लो ले लो यानी दे दो दे दो दे दो सारी <laughs> आपको ले लो ले लो बोलने की आवश्यकता नहीं है दे दो दे दो दे दो बोलेंगे दे 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 दो दे दो दे दो, दे दो। <laughs> तो ऐसा मौका फिर मिलता नहीं कभी बार बार आता नहीं है तो भक्त ने कहा कि मुझे पांच गीता दे उस व्यक्ति ने कहा पांच गीता दे दो मुझे तो भक्त ने पांच गीता दी उसने कहा क्या बात है उसे बताया कि पिछले साल आप यही मिले थे मुझे आपने मुझे गीता दी थी याद है मैंने वो गीता पढ़ी और पढ़ने के बाद अब मैं वहां टेम्पल में जाता हूं मैं सोलह माला का जब करता हूं चले प्रभु बात की और एक घटना और सुनिए जलंधर की घटना जलंधर में क्या हुआ एक बार वहां पे एक व्यक्ति मिला रस्ते में और उसने जो है पचास उसे कहा कि ऐसा करो गीता भवन में हमारा कार्यक्रम है वहां पे आप पचास गीता बांट दूसरे ठीक है बहुत अच्छी बात है और भक्त गए उन्होंने टेबल लगाया देखा भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि मुफ्त में गीता मिल रही है पचास के बदले सौ गीता बांटती है तो देखा मैं तो आपको पचास गीता के लिए कह रहा था आपने सौ गीता बांट दी कोई बात नहीं ठीक है उसने फिर सौ गीता के पैसे भी दे दिए तो अगले साल फिर से उसका फोन आया उसने कहा कि इस बार भी मैं गीता बांटना चाहता हूं इस बार भी आप सौ गीता बांटेगा तो ये भक्त ने जाके पूछा कि कैसे आपको पता भगवत गीता के बारे में और आप इतनी भारी मात्रा में गीता लेके खुद ही रहे के आपने गीता ले ली हमसे इसका क्या रीजन है जानते हो कि मैं बहुत शराबी बहुत बड़ा शराबी था शराब पीता था बहुत मैं और मेरी किडनी खराब हो गई और मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया था जिस हॉस्पिटल के बेड में मैं लेटा हुआ था उसके नजदीक एक टेबल में भगवत गीता रखी हुई थी श्रील प्रभुपात जी की और मेरी नजर उस गीता के ऊपर पड़ गई गीता के पर, पर नजर जब पड़ी तो गीता को उठाया और गीता को पढ़ना मैंने शुरू किया और जैसी पढ़ना शुरू किया मेरी आंखें खुली और मैं रोने लग गया उस गीता को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया शराब पीने में नशा करने में अवैध संबंध रखने में इतनी बुरी आदतें मैंने पाल ली इस कारण से आज मैं इस हॉस्पिटल में लेटा हूं मेरा जीवन आधा जीवन बेकार हो गया है अब और मैं जीवन बेकार नहीं करूंगा हे hey कृष्ण मेरी रक्षा करो अगर आप मेरे जीवन की रक्षा करेंगे मुझे आप बचा लेंगे तो मैं आपसे वायदा करता हूं अधिक से अधिक आपकी गीता का वितरण करूंगा तो उस व्यक्ति जो है बिल्कुल ठीक हो गया वो और वो व्यक्ति ठीक हो गया और उसके बाद वो माला सोलह माला का जब करने लगा वो भक्त भर गया वो उसे कहा कि देखो अब मैं देखो माला भी करता हूं और आज आप मुझे मिले पिछले साल भी आप मिले थे इसलिए मैंने आपको देखते मैंने आपको बुला लिया और मैंने कहा कि आप पचास गीता जी दिए गीता वितरण करिए तो देखिए क्या चमत्कार प्रभुपाल जी के ग्रंथों का होता है ये ग्रंथ जो है ये जड़ वस्तु नहीं है आप समझिएगा इस तो बात को ये चिन्ह है स्पिरिचुअल है ये ऑर्डनरी किताबें नहीं है देखने में लग रहा है कि कागज कागज ही पेपर ही है और गत्ते से बना हुआ नहीं दिस इज ट्रांसेंडेंडल स्पिरिचुअल है ये ये किताबें बोलती है इसलिए प्रभुपाल जी ने कहा कि दिस इज बुक्स आर स्पोकन कीर्तन और आई आई शैल लिव फॉर एवर माई बुक्स अपने किताबों में हमेशा मैं जीवित रहूंगा इसे जब तक आप मेरे ग्रंथों का वितरण करेंगे तब तक मैं जीवित रहूंगा जी अपने किताबों में जीवित है प्रहुपाजी अलाइव है अभी भी अलाइव है वाणी उनकी अलाइव है वाणी सेवा इसी को कहते हैं जब वपू नहीं होता है तो वाणी का लाभ उठाना चाहिए शब्द ध्वनि का लाभ उठाना चाहिए इसे जिस जिस घर में जिस पास जिस व्यक्ति के पास ये ग्रंथ जाएंगे वो किताबों को उठाएगा और किताबों को उठाने के बाद क्या पढ़ेगा जब पढ़ेगा उसको एक शब्द ही पढ़ लेगा वो अगर किताब को छू भी लेगा तो उसको लाभ मिल जाएगा ये की किताबों का चमत्कार तो एक बार की बात है कि एक कॉलेज में प्रिशिंग कर रहे थे हमारे गए हुए थे। एक जो स्टूडेंट है उसको प्रोपाजी की गीता मिली प्रोपाजी की कोई किताब मिली थी और उसे पढ़ना शुरू किया वो ड्रग एडिक्ट ड्रग एडिक्शन में से तो लगा हुआ था और ड्रग ड्रग इस तरह लग गया था कि पढ़ाई तो हो नहीं रही थी उससे और वो व्यक्ति जो है उसने ये, वो स्टूडेंट ने किताब 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 उठाई और पढ़ना पढ़ना शुरू किया। पढ़ना शुरू किया किया उठाने के बाद बाद जब उसके धीरे-धीरे भक्त लगा। उनके जो है मैं छोड़ूंगा नहीं इस कौन को मीडिया वालों को बुलाया मीडिया कवरेज मीडिया वालों को बोला मीडिया वालों को तो मसाला चाहिए तो मीडिया वाला उस लड़के से इंटरव्यू लिया हाँ बता सकते हैं आपका इस कौन के इस्कॉन के भक्तों ने किस तरह से आपका ब्रेन वॉश किया है बोलता है कि मेरा ब्रेन वॉश तो जरूरी था क्योंकि वास्तव में बहुत मैला था पहले बहुत गंदगी थी दिमाग में बहुत गंदगी थी मेरी चेतना में मैं ड्रग्स लिया करता था मैं शराब पिया करता था लेकिन जैसे मुझे प्रभुपा की किताब मिली मैंने किताब को पढ़ा मेरा जीवन बदल गया है आज मैं नशा नहीं करता हूं चरस नहीं पीता हूं गांजा नहीं पीता हूं शराब नहीं पीता हूं अब मैं सम्मान नहीं रखता हूं मैं और आज तो पिता जब मैं ये सब नहीं करता हूं जब मैं सॉरी जब मैं करता था ये सब तब तो मेरे पिताजी ने कोई मीडिया वाले को नहीं बुलाया आपको बुलाया था क्या जब मैं श, नशा कर रहा था मैं शराब पी रहा था मेरे पिताजी जानते थे कि मैं बुरी आदतें मुझे लग चुकी है क्या मीडिया वाले को बुलाया था मेरे पिताजी ने आज मैं इस कौन का भक्त बन गया हूं आज मैं जब कर रहा हूं नशा छोड़ दिया ड्रग्स लेना छोड़ दिया है मेरे चरित्र का निर्माण हो रहा है मैं सभ्य व्यक्ति बन चुका हूं आज मैं अपने परिवार के लिए पूरे मानव समाज के लिए पूरे देश के लिए पूरे विश्व के लिए कुछ कर सकता हूं और आज आप आए हैं मेरा मीडिया कवरेज लेने के लिए आज मेरे पिताजी ने आप लोगों को बुलाया है बताइए क्या सही है बताइए मैं पहले सही था या अभी सही था मीडिया वाले चुप हो गए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अच्छा लगा मैं <laughs> देखिए ये है चमत्कार शिल प्रभुपात जी का इसलिए आप लोग घबराइए मत देखिए सर्वधर्म अन्य कम शरण रज आम तो सर्व पापे बेमोक्ष माचू चाह सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ डरो मत बेवकूफ उठो ग्रंथों को लेके जाओ आपके साथ ग्रंथ है तो सार्थी बन के जाते हैं हमने बताया ना पिछली बार कि कृष्ण सारथी बन के जाते हैं आपके मित्र बन के जाते हैं जब आप प्रचार के लिए बाहर जाते हैं तो प्राण अच्छे तार से ही होते हैं प्रचार यानी कि एक मृतक व्यक्ति जो है मरा हुआ व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता है नहीं लेकिन शिल प्रभुपाजी के ग्रंथ जब जाते हैं किसी के हाथ में तो मरे लोग भी जाए मुर्दे को जगा दिया शिल प्रभुपाजी ने मुर्दों को जगा दिया अब सब मुर्दे ही तो थे जीव जागो जीव जागो गोरा चंद्र बोले कोतो निद्रा जाओ माया पिशा चीरा को कब तक माया की घोष में से सोते रहोगे बेवकूफ उठो जीव जागो शिल भक्त ठाकुर ने इसलिए कहा है और देखिए गोस्वामी को देखिए शिलजी गोस्वामी के बाद तीन महानाचार्य आए थे श्रीनिवास आचार्य श्यामानंदपुर नरोत्तम दास ठाकुर जी गोस्वामी ने क्या कहा रूप गोस्वामी पाजी ने जो ग्रंथ लिखे हैं सनातन गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखे हैं उन सब ग्रंथों का हमें ग्रंथों का वितरण करना है बंगाल में और उड़ीसा में इन ग्रंथों को लेके गए और जानते हैं कि बीर हमीर जो विश्वपुर का राजा था उसने क्या किया इन ग्रंथों की चोरी कर ली बहुत दुखी हुए वो कहा गई वो बैलगाड़ी खजाना कहाँ गया हमारा असली खजाना रात को सो रहे थे सुबह देखा बैलगाड़ी गायब है उसमें ग्रंथ रखे हुए थे और उसके बाद फिर श्रीनिवास आचार्य ने कहा कि आप आगे जाइए प्रचार के लिए मैं देखता हूं यहां पर तलाश करता हूं तो राजा के पास गए तो राजा अपने महल में जो है कथा करवा रहा था किसी पंडितों से और श्रीनिवास आचार्य ने कहा ये जो कथा की व्याख्या कर रहे हैं बिल्कुल गलत है श्रीनिवास आचार्य से कहा राजा ने कि आप बोलिए आप बताइए क्या व्याख्या है इसकी तो श्रीनिवास आचार्य जो है फिर व्याख्या की और जब व्याख्या की तो राजा जो है एकदम से मोहित हो गया उनकी व्याख्या से उन्होंने कहा वाह आप रोज हमारे यहाँ कथा करिए तो ने सोचा कि राजा से जो है मैं काफी मदद मिल जाएगी तो उन्होंने क्या किया फिर क्या किया उन्होंने श्रीनिवास आचार्य वहां रहे महल में वोड कथा करते थे राजा का हृदय पिघल गया साधु संघ से श्रीनिवास आचार्य की कृपा हो गई राजा के ऊपर उनका हृदय पिघल गया वो बोलते हैं क्या हुआ आप काफी समय से यहां पर है हमारे विष्णुपुर में कोई विदेश उद्देश्य उद्देश्य था क्या आपके आने का उन्हें कहा हाँ हमारे पास एक बहुत बड़ा खजाना था उसमें बहुत सारे ग्रंथ थे और डाकू लोग आए रात को चोरी कर गए तो राजा को लगा ये हमारे ही काम तो नहीं है कहीं <laughs> क्योंकि दिन में मैं साधु हूं और रात को मैं शैतान हूं तो राजा ने बुलवाया अपने सैनिकों को खजाना देखो खजाना खुलवाओ अब देखना चाहते हैं जाके देखा वहां पे खजाना देखा बैलगाड़ी में इतनी सारी किताबें लिखी हुई हैं रखी हुई है गोस्वामी के ग्रंथ रखे हैं श्रील सनातन गोस्वामी के ग्रंथ रखे हैं और ये बापरे इतने सारे ग्रंथ बोलते आप तो कह रहे थे खजाना है यही है हमारा खजाना यही है हमारा धन है धन यही है है संपत्ति भक्तों का और कोई धन नहीं है सुख सुविधा में मत फंसी सुख सुविधा हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भक्त के लिए क्या है ये कब्रिस्तान है ग्रेवयार्ड है इसलिए कृष्ण भावना में सेटलमेंट का कोई मतलब नहीं होता है हम सेटल हो गए हैं अब हमारा अच्छा स्टेटस है हमारे सोसाइटी में सोलह माला का हम जज करते हैं सुबह के कार्यक्रम आते हैं आई एम वेल सेटल्ड अब हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है अगर आप यह कहते हैं कि ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है इसका मतलब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि चिंता कहा है आपको चिंता नहीं है कृष्ण भावना के लिए कोई चिंता नहीं है कृष्ण के लिए आप चिंता नहीं कर रहे हैं इस वजह से कृष्ण के लिए जब तक हम चिंता नहीं करेंगे जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे जिम्मेदारी उठाना सीखिए आप जब तक आप जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे कोई और जिम्मेदारी नहीं उठाएगा जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति ही जिम्मेदारी दे सकता है याद रखेगा जिसने जिम्मेदारी नहीं उठाई है वो दूसरों को जिम्मेदारी भी नहीं दे सकता है इसे याद रखिएगा अगर आप चाहते दूसरे लोग जिम्मेदारी उठाएं आप जिनको प्रचार करने वाले हैं तो खुद आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी

ने क्या बोला आप सोला माला का जब करो ध्यान पूर्वक बिना अपराध किए चार नियम का पालन करो चैतन्य महाप्रभु की आंदोलन की सेवा करो वैष्णव की सेवा करो इस जीवन काल में आप कृष्ण को देखोगे फेस टू फेस इस वाले जयदत्त महाराज ने पूछा लेक्चर के बाद कि प्रोपद हाउ दिस इज पॉसिबल जस्ट पाई फॉलोइंग द सिंपल प्रोसेस प्रोप ने देखिए शॉर्टकट दिया है शॉर्टकट उनके गुरु महाराज ने क्या बोला था जानते हैं जो चौसठ माला नहीं करते हैं एक लाख नाम जो भक्त नहीं लेते हैं दे आर फॉलन दे आर पतित शिल प्रभुपादी के गुरु महाराज ने कहा यहां तक तो बोला उनके गुरु महाराज ने जो पुजारी चौसठ माला नहीं करता है उसके हाथ से ठाकुर जी भोग नहीं स्वीकार करते हैं जानते हैं आप शिल भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने यह कहा था लेकिन प्रभुपादी ने क्या किया प्रभुपादी ने कहा आप सोलह माला का जब करो कम से कम और साथ में आठ घंटे सेवा करो आपको चौंसठ माला का लाभ मिल जाएगा

इसी जीवन काल में आप कृष्ण को दर्शन कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे केवल आपको चार चीजें करनी है बस सोला माला का जब करिए ध्यान पूर्वक करिए एक जगह बैठकर घूम फिर के नहीं।, नहीं और चार नियम का पालन करिए शक्ति से करिए और उसके बाद वैष्णवों की सेवा करिए महापुरु के आंदरों के लिए कुछ करके जाइए अरे भैया मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, कुछ करके तो जाओ ये शरीर छोड़ने से पहले एक जीवन दे दो केवल कृष्ण के लिए प्रभुपाल कहते हैं यद डेडिकेट वन लाइफ और कृष्णा योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल एक जीवन देना बस मरना तो ही आप कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तभी मरोगे कृष्ण की सेवा करोगे तभी मरोगे कृष्ण की सेवा करके मरोगे तो धाम जाओगे कृष्ण की सेवा ना करके मरोगे तो चूहे बन जाओगे पुनर्मुशी का भवा फिर से चूहे बन जाओगे तो चूहा बनना है या धाम जाना बताइए हाथ खड़ा करिए कौन को धाम जाना चाहता जा है उसके लिए कोई मोल तो चुकाना पड़ेगा कृष्ण भक्ति रस अभाविता मती क्रियताम कुछ लभ्य थे तत्र लौल्यम एक न लभ्य थे कृष्ण भक्ति रस जो है इसको खरीदना हो तो खरीद लो सौदे मत करो परचेस इट विदाउट डिले आप बार्गेनिंग करने में लगे हैं नहीं अभी नहीं प्रभु दो साल बाद अभी नहीं पांच साल बाद थोड़ा सा और थोड़ा सा रुक जाइए थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे आप लोग कछुए की चाल चलेंगे देखिए कछुए की चाल चलेंगे तो पहुंच जाएंगे लक्ष्य तक जाना तो वही है आप तेजी से निकल रहे हैं हम पीछे पीछे धीरे धीरे आपके पीछे पीछे, पीछे आ जाएंगे अब मैच चल के आ जाएगी आप रॉकेट में जा रहे हैं नहीं आराम से कुछ ही बोला कल का कोई भरोसा नहीं है सात दिन परिश्र महाराज जानते हैं सात दिन उनके पास है आपके साथ क्षण है ये भी नहीं जानते आप कल का क्या होगा कल क्या होने वाला अगले क्षण क्या होने वाला है टेम्पल हॉल के बाहर से निकलेंगे हो सकता है कि सीढ़ी में ही पाव अटक जाए वहीं नीचे गिर जाए हम लोग बुरा ना मानेगा कल का कोई भरोसा नहीं है आज का कोई भरोसा नहीं है और अब का भी अभी का भी कोई भरोसा नहीं है लेकिन अब अगर आप कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं अंग्रेजी में कहावत है पास है प्रेजेंट एंड प्रेजेंट विल शेप योर फ्यूचर तो वर्तमान जो है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण याद रखेगा और वर्तमान को आपने ठीक नहीं किया है तो भविष्य कैसे उज्जवल लोग बताइए आपका इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कीर्तन प्रभावे स्वर्ण तो में संकीर्तन विधि के द्वारा जो है वह हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तभी स्मरण कर पाएंगे हम लोग तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है देखिए ये मत सोचेगा समय बहुत है और मेरा तो कोटा सिर्फ सौ गीता का है वो तो एक ही दिन में हो जाएगा फिर पूरे महीने हमसे फ्री नहीं कृष्ण भावना में छुट्टी नहीं होती याद रखेगा कृष्ण भावना में छुट्टी नहीं है छुट्टी इस तरह से है कि हमें माया की सेवा नहीं कर रही तो कृष्ण की जो उस तरह से छुट्टी है लेकिन कृष्ण भावना में देर नो हॉलीडे राइट कोई छुट्टी का दिन नहीं हमारे लिए तीन दिन लगातार लगे रहो पूरे जीवन भर जब तक शरीर नहीं छोड़ जाते जब तक शरीर नहीं छोड़ते तब तक करते रहो कृष्ण की सेवा कुछ करके जाओ खाली ऐसे खाली पद बैठो और कई ऐसे बेवकूफ हैं बोलते हैं प्रभु जी ये तो सब आप अभी से ही बता रहे हैं ये तो बूढ़े लोगों के लिए है तो प्रभुपा जी क्या कहते थे ये बूढ़े लोगों के लिए नहीं है कृष्ण और अर्जुन दोनों युवक थे और ये जो गीता का संवाद है दो युवाओं के बीच में है तो आप सब अगर युवक हैं तो कुछ करके दिखाइए नहीं तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं शिल जी, एक बार हाँ एक घटा और बता दें आपको आपको पहले भी बताया था पिछले साल में फिर से बता देते हैं राधाकुंड माता जी के बारे में हमने बताया था जो पिछले 42 साल से ग्रंथों का वितरण कर रही हैं जिनको अभी पार्किंसन है कैंसर है लिवर की प्रॉब्लम है बहुत सारी प्रॉब्लम है वृंदावन धाम में तमाल वृक्ष के नीचे बुक टेबल लगाते हैं पूरे दिन वहां ग्रंथों का वितरण करते हैं वो यहां पर आए थी उन्होंने जानते क्या कहा कहा एक एक दिन रात को सपने में आए सन्यासी उन्होंने कि आपका नाम तो राधा कुंड है आप इस्कॉन में क्या कर रहे हैं आपको तो राधा कुंड आकर भजन करना चाहिए वहीं आपको सिद्धि प्राप्त होगी तो उनको लगा कि अरे मेरा नाम तो राधा कुंड ही है शायद इसी से मेरा जीवन सार्थक होगा मुझे राधा कुंड जाना चाहिए अगले दिन वो तैयारी कर रही थी सपने सपने का सपना देखकर तो तो किसी कारणवश उस दिन नहीं जा पाए और रात को फिर सपने में शिल प्रभुपा जी आए इस बार और प्रभुपा जी के चारों तरफ जल ही जल था पानी ही पानी था और प्रभुपा जी उसके बीच में खड़े हुए प्रभुपा जी ग्रंथ बांट रहे थे प्रौपा जी कह रहे थे लाओ लाओ ग्रंथ लाओ और किताबें लेके आओ और किताबें लेके आओ और प्रभुपा जी किताबें बांटते जा रहे हैं किताबें बांटते जा रहे हैं किताबें बांटते जा रहे हैं और उसके बाद ये माता जी को बोल रहे हैं प्रौपा जी कह रहे हैं किताबें दो किताबें दो प्रभुपा जी कहते हैं जहां मैं खड़ा हूं जानते ही क्या है यही है राधा कुंड और कहां पे के राधा जल, जल कुंड और जो तुम्हें, तुम कुंड में जाके तुम्हें प्राप्त होगी ही सिद्धि तुम्हें प्राप्त हो जाएगी ग्रंथों के वितरण से प्रोपा जी सपने में आके बोले अब ये देखिए सारा विश्वास और सारा फेथ के ऊपर निर्भर है कि आपको कितना फेथ है पूरा फेथ होना चाहिए आपको देखिए कोई बोलता है प्रभु जी आजकल तो हम लोगों को बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है कई बार भक्त बोलते हैं संकीर्तन में जा रहे हैं बार मुगड में जा रहे हैं तो हमारी साधना ठीक से नहीं हो पा रही है लेकिन बेवकूफ हो यह समझो कि साधना का मतलब यह है कि कलयुग में सबसे उत्तम कोटि की साधना संकीर्तन ही है आप कली धर्म हरि नाम संकीर्तन तार मत सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन क्यों बोला है हमारे आचार्यों ने इसलिए बोला है ये एम्पर बोला है साधना का एम्परर बताया जी गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में तो जब जब आप संकीर्तन में लगते हैं तो समझेगा कि आप उत्तम कोटि की साधना कर रहे हैं प्रभुपा जी ने कहा वेन यू आर इन संकीर्तन माया कैन नॉट टच यू माया को छू नहीं सकती है संकीर्तन में इतना पॉवर है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बुक मैर्थों को आगे बढ़ाइए ग्रंथों के वितरण में उत्साहित होकर भाग लीजिएगा और याद रखिएगा कभी भी एक गीता लेके भार मत जाइए नहीं हमारे मूवमेंट में देखिए जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता है वो ज्यादा मेहनत करने लगता है हमारा एक्सपीरियंस है यहाँ पे देख, मंगल आरती में वृद्ध लोग बहुत आते हैं दूर दूर ये है। ये से यह चमत्कार है यानी कि मतलब कृष्णा जैसे जैसे इवॉल्व होता जाता है डेवलप होता जाता है व्यक्ति और एक्टिव होता जाता है और आप सब जिस व्यवस्था में है इस व्यवस्था में रहकर आपके पास दो बल है आध्यात्मिक बल भी है और शारीरिक बल भी है, है आपके पास दोनों को फायदा है आपके पास दोनों एडवांटेज आपके पास है आप समझ रहे तो कहने का मतलब ये है कि जो वृद्ध लोग हैं वो कृष्ण भावना भावित जैसे जैसे होते जाते हैं और जो है कृष्णा कॉन्शियस होते जाते हैं तो कहने का अर्थ यह है कि युवा अवस्था में हमारे पास शारीरिक बल है हमारे पास आध्यात्मिक बल है हम लोगों को समझाए हर प्रकार की समस्या का हल है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल है गीता क्या है बेसिकली फर्स्ट सेमिनार दिया गया था भगवान कृष्ण के द्वारा स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर हर प्रकार की समस्या हो आध्यात्मिक समस्या हो शारीरिक समस्या हो मानसिक समस्या हो किसी तरह की समस्या हो अपनी भौतिक समस्या हो पड़ोसियों की समस्या हो कोई भी समस्या हो हर समस्या का हल जो है इन ग्रंथों में दिया गया है केवल इन ग्रंथों को पढ़ना है बस आप तो ये मत सोचेगा कि भाई हम जो है संकीर्तन में लगे हैं संकीर्तन में जा रहे हैं तो हमारी साधना चौपट हो जाएगा यही है साधना यही है साधना कलयुग में समझ रहे हैं आप इसको तो इस साथ जितना आप भाग लेंगे जितना संकीर्तन करेंगे उतना जल्दी भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे शॉर्टकट है कृष्णा कॉन्शियस होने का थोड़ा तपस्या करनी पड़ेगी देखिए है ना प्रोपा जी ने शॉर्टकट दे दिया इसका मतलब यह नहीं कि हम जो कुर्सी पर बैठे रहेंगे शॉर्टकट का मतलब होता है रास्ता शॉर्टकट है लेकिन शॉर्टकट में भी उस शॉर्टकट रस्ते में भी मेहनत करनी पड़ेगी कहने का मतलब यह है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का कि आप लोगों ने काफी समय दिया है और काफी मेहनत आप लोग कर रहे हैं और हमें पता चलता है कि आजकल कई भक्त लोग देखिए हमारे के बाद बहुत पावर है आप सब भक्तों के बहुत पावर ये बस सोचे आप लोग जो है शक्ति नहीं आपके बहुत शक्ति है जहां चाह है वहां राह है आपको केवल विचार करना है आपको बस तैयारी करनी है बस कि बस आप ठान लीजिए कि मुझे बस ग्रंथों का वितरण अधिक से अधिक संख्या में करना है देखिए सीक्रेट बताते हैं आप जितने अधिक लोगों को आप मिलने का प्रण लेंगे उतनी अधिक आपको सफलता मिले टारगेट बना लीजिए मुझे दिन में कम से कम सौ लोगों से मिलना है आज संडे का दिन है टारगेट बनाइए कि कम से कम सौ लोगों से मिलूंगा आज टारगेट बना के चलिए गोल बना के चलिए बिना गोल के कोई कार्य मत करिए बिना लक्ष्य के कोई कार्य मत करिए लक्ष्य बनाइए क्या मुझे सौ लोगों से मिलना है हो सकता है कि एक गीता भी ना ले कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने प्रयास किया कृष्ण आपका प्रयास देखना चाहते हैं कृष्ण को आपके फल की चिंता नहीं है देने वाले तो ठाकुर आपको देखना चाहते हैं कि आपने कितना प्रयास किया है आप कितने समर्पित हैं बस यही तो देखना चाहते हैं फिर देखिए आप आ नहीं तो कल आप देखेंगे जो आपने इच्छा प्रकट की याद रखिएगा एक और चीज बौतिक इच्छाएं भले ही पूरी हो पूरी होती है कभी पूरी नहीं होती है लेकिन आध्यात्मिक इच्छा जो होती है वो हमेशा पूरी होती है अध्यात्मिका हंड्रेड परसेंट पूरी होती है हो सकता है थोड़ा सा विलंब हो जाए हो सकता है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाए हो सकता है इस साल साल ना हो हो तो अगले साल में हो जाए जो आपने इच्छा प्रकट की है है कि मुझे अधिक अधिक से ग्रंथ बांटना इच्छा प्रकट कर लीजिए बस हृदय में फिर देखिए चमत्कार आप हर साल आपकी देखिए ग्रंथों की वृद्धि होती जाएगी ग्रंथों की संख्या बढ़ती जाएगी वितरण की संख्या बढ़ती जाएगी केवल आप इच्छा प्रकट करिए बस फिर देखिए दो चीजें आप करिए देखिए एक तो आप प्रयास करिए दूसरा राधा राधा के पास आइए और उससे प्रार्थना करिए दो चीजें करिए राधा इतने पावरफुल है आप उनके सामने जो भी प्रार्थना करेंगे सारी प्रार्थनाएं पूरी करते हैं ठाकुर जी हमारे नाम सार्थक बना दीजिए उनका नाम पार्थसारथी है नहीं लेकिन पार्थार्थी साक्षात विराजमान है भगवत गीता के प्रणेता भगवत गीता के वक्ता सामने आपके खड़े हैं ठाकुर जी हमारे और क्या चाहिए बताइए तो यहां पर प्रोपा जी इसलिए बात तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि ये जो ग्रंथों का वितरण है वो अधिक महत्वपूर्ण है इसका मतलब ये नहीं कि मंदिरों का निर्माण नहीं होना चाहिए प्रौपा जी जब मायापुर में थे प्रौपा ने कहा कि अब मैं तो पेड़ के नीचे भी रह सकता हूं लेकिन कलयुग में कौन आएगा प्रौपा ने कहा कि कलयुग में लोग जो है प्रभावित होते हैं बड़ी बड़ी इमारतों से जब हम बड़ी इमारत बनाएंगे तो लोग अपने आप आएंगे राइट हमने बताया शायद पिछली बार भी ग्रेटर क्लास टेम्पल में संडे के प्रोग्राम में ढाई से तीन या चार मैक्सिमम लोग आते थे अभी तो ढाई सौ तीन सौ लोग आइए घूम रहे होते हैं वैसे तो बड़े मंदिर बनाने का बहुत लाभ है बशर्ते अगर आप ग्रंथों का वितरण करें और प्रचार करें नहीं तो फिर से भक्ति सिद्धार्थ सिंह ठाकुर ने कहा कि अच्छा है कि ये मार्बल जो बना मार्बल की फ्लोरिंग मैंने बनाई है इन मार्बल को बेचकर मैं ग्रंथ छापू अगर भक्त आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो झगड़ा हम कब करते हैं जानते हैं निंदा बुराई चुगली निंदा बुगली चुगली क्यों कब करते हैं बुराई कब करते हैं जानते हैं कब करते हैं बताओ जब हमारे पास बहुत समय खाली होता है एंटी माइंड वर्कशॉप जब खाली होंगे आप तो गालियां ही सुनने को मिलेगी, आपको और कुछ नहीं मिलेगा तो खाली मत रहिएगा जितना ज्यादा आप व्यस्त रहेंगे उतने अपराध भी कम होंगे और उतनी बुराई भी आप करेंगे इसका मतलब आपका विकास जो है वो बड़ी तेजी से होगा जहां खाली आप बैठे नहीं सोच के भैया आपने साधना करनी है और कान में ईयरफोन लगा लेंगे और श्रवण के नाम पर धोखा देंगे दूसरों को भी और खुद को भी और ईयरफोन लगाकर जो है ईयर प्लग लगा के सो जाएंगे बुरा मत माने कलयुग में हमसे अधिक भजन नहीं हो पाएगा हम भजन करने के लायक ही नहीं है कृपा ही हमें धाम लेके जाएगी बेसिक साधना तो सबको करनी है ये नहीं कह रहे कि साधना नहीं करनी है साधना तो बहुत जरूरी है बिना साधना के तो शक्ति कहां से मिलेगी आपको साधना जरूरी है लेकिन याद रखेगा साधना उतनी ही करिए जितना की बताया गया है यह भी क्योंकि दवाई है आपके लिए औषधि है हमारे लिए हमारे लिए अभी अमृत नहीं है हम औषधि के रूप में ले रहे हैं जो तो जितनी औषधि लेने के लिए कहा है हमारे परंपरा में आचार्यों ने गुरुदेव ने वैष्णव ने वो करिए वो करना ही पड़ेगा आपको लेकिन बाकी समय सब जो है आप व्यवहारिक सेवा में लगी फिजिकल सर्विस में लगी ये प्रोपर्टी का इंस्ट्रक्शन है तो इस मूड को जब इम्बाइव करेंगे आप और आप करते रहेंगे पर जीवन भर सेवा में व्यस्त रहेंगे धीरे 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 क्या होगा आपका आकर्षण नाम में आ जाएगा नाम रुचि आ जाएगी अपने आप खाली बैठने से बहुत सारी समस्या है खाली बैठने से हम दूसरों की बुराई करते हैं खाली बैठने से हम प्रजल्पा करते हैं खाली बैठने से हमारी सेवा नहीं होती है खाली बैठने से हमारा दिमाग खराब होता है खाली बैठने से हम माया में है इसलिए काली बैठना जो है, खतरना है। बहुत खतरनाक है भौतिक शरीर के लिए भी और आध्यात्मिक शरीर के लिए भी इसलिए भगवान ने गीता में कहा है बिना शारीरिक करके शारीरिक परिश्रम के कोई अपने शरीर को भी नहीं संभाल सकता है। तो भौतिक कार्य आध्यात्मिक कार्य हमें दोनों साथ सारे साथ करना है आप लोग जॉब भी कर रहे हैं पढ़ाई भी कर रहे हैं दोनों करिए लेकिन जब कर रहे हैं तो पूरा करिए इसके मत करिए भाग्य मत तो आज रविवार का दिन है इस रविवार के दिन में पूरा लाभ उठाइए ग्रंथों के वितरण के लिए प्रभुपा जी ने बड़ी मेहनत की है इन ग्रंथों के वितरण के लिए और प्रभुपा जी इन ग्रंथों को लिखने में बहुत मेहनत किया है और प्रभुपा जी यही चाहते थे कि लोग ग्रंथों को केवल बांटें बल्कि ग्रंथों को पढ़ें भी हम जब पढ़ेंगे स्वयं पढ़ेंगे तो तब जाके हम दूसरों को समझा भी पाएंगे राइट तो इसलिए फिलौसी हम भी समझें खुद पहले से अच्छी तरह से रोज पढ़ें ग्रंथों को और ग्रंथों को पढ़कर जब पढ़ेंगे तो उसका वैल्यू उसका महत्व समझ में आएगा तब आप बांटेंगे हम के अंदर इच्छा जागृत होगी एक, हरे कृष्णा कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप हरे बोल पंद्रह तारीख को एक मूवी रिलीज हो रही है जो सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में दिखा चुके हैं हम लोग हरे कृष्णा मूवी मंत्रा एंड द स्वामी स्टार्टेड इट ऑल और आपकी सूचना के लिए इंडिया के 87 सेवन सिनेमा हॉल्स में इसको दिखाया जा रहा है पंद्रह तारीख से लेकर सत्रह दिसंबर को हिंदी में और उसके बाद अगर उनको अच्छा रिस्पॉन्स अगर मिलता है अगर सिनेमा हॉल्स फुल रहते हैं तो सत्रह के बाद फिर इंग्लिश में भी दिखाएंगे तो आप सब जाके देखिए बहुत लोग तो आप मूवी देखते ही नहीं है हमने तो मूवी छोड़ के पता नहीं कितने साल हो गए देखकर <laughs> सिनेमा हॉल में कभी गए नहीं है इतने सालों के बाद अरे तो कहने का मतलब है अगर अभी इच्छा है आपकी सिनेमा हॉल जाने की तो ये इच्छा आप पूरी कर सकते हैं बोल माइक ले लो माइक दे दे, माइक। बाहर जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हरे कृष्ण भोजी धन प्रणाम जैसे हम बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते हैं तो तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जैसे यंग लड़के भी मिलते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप बुक पढ़िए भगवदगीता पढ़िए भगवदगीता आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लाएंगी बहुत अच्छा रहेगा इस थोड़ा जोर से बोलेंगे ताकि हम इससे इससे मतलब बहुत अच्छा रहेगा आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी जैसे हमारी लाइफ चेंज हुई है तो वो कहते हैं कि हमारा अभी टाइम नहीं है पढ़ने का तो जो ओल्ड ओल्ड पर्सन होते हैं बूढ़े होते हैं वो भी कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है अभी हमारी बुढ़े लोग भी कहते हैं हाँ हमारी एज नहीं है अभी टाइम नहीं है सच बात सही है क्योंकि मृत्यु बहुत निकट है समय सच में नहीं है आपके पास ये कह रहे हैं कि लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है बिल्कुल सही कहा आपने आपके समय नहीं है किसी भी क्षण आपकी मृत्यु हो सकती है हमको डायरेक्ट मत बोलिए अपने लिए बोल लीजिए बात सही है मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है इसलिए मेरे लिए तो बहुत ही जरूरी यह ग्रंथ पढ़ना और ये ग्रंथ उनके लिए है जिनके पास समय नहीं है लेकिन आप पूरे ऊर्जा के साथ बोलिए बात आपने जिस तरह से बोला ऐसा लग रहा है कि आप सो के उठे हो आप थोड़ा उत्साहित होकर थो बोलो ऐसा लगे कि हरिजाम ले रहे हो आप अगर माला का ध्यान पूर्व जब कर रहे हो तो शक्ति होनी चाहिए आपके पास बोलने के लिए शक्ति से बोलिए उत्साह से बोलिए ये लीजिए ग्रंथ आपके लिए लाए हैं सबके लिए है, सबको दे रहे हैं सबको दे रहे हैं सबको दे रहे हैं ये उन सब लोगों के लिए जिनके पास समय नहीं है मेरे पास भी समय नहीं है आपके पास भी समय नहीं है किसी के पास भी समय नहीं है क्योंकि कोई कभी भी मर सकता है आपके लिए गीता लेके आए लीजिए 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 ऐसे सब बोलेंगे सब लोग ले मैं आप गीता ले लीजिए क्यों नहीं ले रहे हैं आप अरे वो तो मरा ही हुआ है आप ही मरे हो क्या कौन जगाएगा मेरे मरे व्यक्ति एक व्यक्ति जगाएगा ना तो एक जगाने वाला व्यक्ति जो है जागा होना चाहिए तो जोश लेके आइए अंदर मतलब। अपने अंदर जोश लेकर आइए और जोश आएगा एनर्जी जब होगी जब आप चैंटिंग ठीक से करेंगे श्रवण कीर्तन ध्यान पूर्वक करना सोना नहीं है जब के समय जब के समय सोना नहीं है ध्यान पूर्वक जब करिए एनर्जी बिल्डअप होगी अपने आप फिर देखिए शक्ति मिलेगी आपको प्रचार करने की आचार्यों की कृपा में लेकिन सबकी कृपा में ट्रांसपेरेंट बन जाओगे आप, केवल मीडिया है आपको बस डाक का काम करना है फिर देखिए क्या शक्ति है आपके पास बांटने की उत्साह से जाइए बाहर ऐसे नहीं मरे हुए जैसे जा रहे हैं, ठीक है और बताइए बुक्स, बुक्स पढ़ने में और बुक्स पढ़ने मतलब छी बुक्स छी छी नहीं पढ़ना चाहिए ई बुक्स ई ये बुक्स तब पढ़ना चाहिए जब आपके बाद जो है किताबें ना हो जैसे ट्रेन में जा रहे हैं रस्ते में जा रहे हैं गाड़ी में जा रहे हैं तो रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं उनको स्मार्टफोन में ये सारी बुक्स डाल लीजिए राइट और ये आपके पास टैब होगा टैब में रख लीजिए सारी प्रोपाजी की बुक्स वो ठीक है यूटिलिटी द प्रिंसिपल उपयोगिता सिद्धांत है, है युक्त वैराग्य है नो प्रॉब्लम अच्छी बात है लेकिन ऐसा नहीं कि उसी से पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए उसके जो रेस होते हैं आंखों को खराब भी करते हैं वो लंबे समय तक उसमें पढ़ने से आपकी आंखें खराब हो जाएंगी फायदा क्या है? जो आपको ग्रंथ पढ़ने में आनंद आएगा वो आपको उसमें से नहीं आएगा आप करके देख लो किताबें जब हाथ में होती है और अंडरलाइन करते हैं हाईलाइट करते हैं और नोट्स बनाते हैं वो है असली अध्ययन उसमें अलग ही आनंद है ये सिर्फ रेफरेंस के लिए रख सकते हैं आप रेफरेंस के लिए रखिए इसको प्रमोट मत करिए अपने लिए रखिए बस प्रमोट करिए प्रोपा जी बुक्स को यानी हर जगह जो ई बुक का प्रचार करें आज बोले युक्त विराग का जमाना है हमारे पास ई बुक है हमारे पास स्मार्टफोन में सारी बुक्स हैं, देखिए 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 मार्केटिंग करने की को कोई आवश्यकता नहीं है, जिसको जानना खुद ही जान लेगा मार्केटिंग करिए तो प्रॉपर की बुक्स की करिए राइट और बताइए थोड़ा जोर से बोलेंगे खड़े होकर उत्साहित होकर बोलिएगा आवाज नहीं तो कैसे समझेंगे हम हरे कृष्ण प्रभु जी कई बार ऐसा होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ऐसे यंग बॉयज़ मिलते हैं गर्ल्स में तो हम कहते हैं बट तो जो यंग बॉयज़ मिलते हैं और वो और वो सच में चाहते हैं कृष्णा को जानना क्या पर्पस है लाइफ का वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और वो बुक्स ले लेते हैं हम उसे हम उन्हें कन्वेंस करते हैं बुक्स तो ले लेते हैं बट वो उसके बाद भी लाइफ का पर्पस जानना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए वो अपने कॉन्ट्रेक्ट देते हैं बट हम उन्हें उनके कॉन्ट्रेक्ट किसको पास करें टेम्पल में जिसके थ्रू वो सबको दे सकते हैं। किसी को भी दे दीजिए मैं किसी को भी किसी दे दीजिए धर्म नारायण को दे दीजिए हम उसका दे सकते हैं, लेकिन वो सारे कॉन्ट्रेक्ट द्वार कर लेके चले जाएंगे यहां को दे दीजिए बैठे सामने आप दे देंगे सारे देखिए सबसे पहले याद रखिएगा जब प्रचार कर रहे हैं तो भेदभाव मत करिए विद्या विनय ब्राह्मणी गवि समदर्शिना बिना के सबको ग्रंथों का वितरण करिए लेकिन अगर ज्यादा आपसे बातचीत कर रहा है तो फिर अलग बात है फिर आप समझ जाइए उसका उद्देश्य कुछ और है नहीं बट लिमिटेड टॉक होना चाहिए देखिए एक बात और याद रखिएगा सिर्फ ये नहीं कि कोई अगर लड़का आपको अप्रोच कर रहा है और कोई भी अप्रोच कर रहा है या आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो एक व्यक्ति के पास ज्यादा समय मत बिताइए ये नहीं एक ही व्यक्ति को लेकर पूरे दिन बैठे हुए आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं इसको डिफीट करना है जी हमें क्या फायदा भैया इस देश में आबादी की कमी है बताइए आबादी की हमें तो ठीक है एक व्यक्ति को कन्विंस करके किताब निकालने पड़ेगी कहीं यूरोप में जा रहे हैं रशिया जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं चाइना जा रहे हैं चाइना में भी भीड़ है बहुत चाइना में यहां से ज्यादा क्राउड है लेकिन जैसे कई कंट्रीज है वहां पर कोई होता ही नहीं है तो हो सकता है एक ही व्यक्ति को लेके कन्विंस करना पड़े तो और मिलेगा नहीं फिर उसके बाद एक घंटे तक एक घंटे तो कोई मिलेगा नहीं लेकिन यहाँ तो गली में कूचे में गड़ी में हर जगह जो है सौ सौ लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं जी की परिक्रमा की थी गुरु पूर्णिमा के दिन जानते कितने लोग पचास लाख लोगों ने दो दिन में परिक्रमा की थी पचास लाख लोगों ने दो दिन परिक्रमा की गिरिराज जी की इस बार गुरु पूर्णिमा में एक दिन हमने की थी उसमें तो लोगों की कमी नहीं है जनसंख्या की कमी नहीं है अरे इस देश में रहकर कोई ग्रंथ नहीं बांट पा रहा है सोच रहा कि कहां बांटू इसका मतलब क्या वो हंड्रेड परसेंट माया में है क्योंकि लोगों की कमी नहीं है यहां पे ये एक नहीं ले रहा दूसरे के बाद जाओ दूसरा ही ले रहा तीसरे के बाद जाओ तीसरा ले तो चौथे के बाद जाओ आप जा रहे हो समस्या ये है लोगों की कमी नहीं है जनसंख्या बहुत है चैतन्य महापुरुष की इतनी कृपा है भारत भूमि में कि आज जनसंख्या की कोई कमी नहीं है धन्यवाद देते हैं देश को हम हम चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है आबादी बढ़ती रहे हमारे देश ताकि हमारे ग्रंथों का विचार चलता रहे जीवन के अंतकाल हम तो राधापा रोज प्राथमिक ऐड करने वाले हैं यदि आप चाहे प्रभुपा जी की प्रसन्नता के लिए देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे हम तो यही चाहते हैं तो जनसंख्या की कोई कमी नहीं है तो हर साल आप देखिए बांट रहे हैं चार लाख पांच लाख बांट रहे हैं और हर बार नए कस्टमर मिल रहे हैं आपको मिलते नहीं मिलते हैं तो फिर तो आप बेकार की बातें कर रहे हो एकदम से वो व्यक्ति जो है ऐसा है वैसा है छोड़ो उसको उसके ऊपर क्यों टाइम वेस्ट हो दूसरे को पकड़ो हाँ जी देखिए माइक का जमाना है आजकल आप सुखदेव गोस्वामी तो हो नहीं बिना माइक के बोल लोगे आप बोलो कृष्ण परिषद महाराज की सुनाई देगा मुझे जो बोल रहे हो <laughs> बोले बोले हरे कृष्ण प्रभु जी जब हम ग्रुप में जाते हैं जैसे हमारे पास संडे का ही दिन रहता है तो हम ग्रुप में जाकर सकते हैं तो उस टाइम पे तो एनर्जी रहता है कि काफी सारे डिवोटीज रहते हैं हम उनका साथ लेके हमसे बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो उनका गाइडेंस लेके हम अच्छे से बहुत अच्छा लेकिन जब हम अकेले जाते हैं जैसे हमारे पास मंडे टू फ्राइडे सैटरडे को भी थोड़ा थोड़ा था आधा घंटा पांच मिनट दस मिनट निकाल सकते हैं तो उस टाइम पे हम कैसे वो एनर्जी बिल्डअप करें और उस टाइम पे भी हम अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सके जितना हो सके करिए ये कह रहे हैं कि जैसे ग्रुप में जाते हैं तो उत्साह बन जाते हैं एक दूसरे को देखकर हम लोग तो सीखते हैं लेकिन अकेले होते हैं तो बहुत शक्ति कम हो जाती है कलियों संग में शक्ति है नो डाउट उसमें कोई डाउट नहीं है हम घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे हंड्रेड परसेंट गारंटीड है जब भक्तों के साथ जाएंगे मिलजुल के करेंगे अभी देखिए गोपी भाव रोह हमारे गए हैं गोपी भाव रोह का जो है पैंतीस चालीस रो गए चालीस नए भक्त गए हैं वो पूरे यूपी की यात्रा कर रहे हैं वो यहां से गए थे रुद्रपुर गए वहां से बनारस गए बनारस से अंबिकापुर गए अंबिकापुर से बिलासपुर गए और अभी कम से कम मेरे ख्याल से चौदह पंद्रह हजार गीता बांट चुके हैं सड़क परिप नहीं है वन टू वन उसमें क्या है कि कुछ भक्त लोग हरिनाम भी करते हैं कीर्तन भी करते हैं साथ में उनके साथ फिर भक्त लोग ग्रथ भी बांटते हैं तो वो अच्छा है वो सबसे पावरफुल है नो no डाउट लेकिन क्या है कि आप जैसे कह रहे हैं कि अकेले अकेले भी कई बार करना पड़ जाता है ऐसा होता है तो देखिए ये भी हमें सीखना है आप ये बात समझो कि आप बच्चे नहीं हो सबसे पहले तो समझो बच्चा जो होता है उसको हाथ पकड़ के पार कराना पड़ता है सड़क लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए तभी बोले पापा मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूं सड़क पार करते हुए अरे कभी तो आप बड़े हो जाओ भैया अपने पैर पे खड़ा होना सीखो समझ रहे आप अब वैसी बातें कर रहे हो जैसे वो वृंदावन में एक भक्त ने बोला एक हमारे एक ब्रजवासी को बोला एक भक्त ने कि आप जानते हैं मैं जब भी प्रचार करने जाता हूं अकेले में मुझे बड़ा डर लगता है दिल्ली में दिल्ली में बहुत माया है तो ब्रिजासी ने क्या बोला था आपके दादा तो बब्बर शेर थे आप गीदड़ कैसे निकले अकेले जाने में क्या डरते आप अकेले नहीं हो आप प्रभादी अकेले गए थे अमेरिका उन्हीं के पोते हो आप, आप फिलॉसफी है अचिंत भेदा में तत्व साइमिलियसली वन एंड डिफरेंट विच इज इनक राइट एक होते हुए भी हम एक नहीं है एक साथ भी जाएंगे अकेले भी जाएंगे तभी तो दोनों का आनंद आएगा अकेले जाओगे तो पता चलेगा कितना मुश्किल है अकेले करना आपके अंदर ह्यूमिलिटी आएगी विनम्रता आएगी सहनशीलता आएगी आपका जो फौज ईगो है वो प्योरीफाई होगा और साथ में जाएंगे तो फिर सोचेगा इतने सारे लोग हैं हमारी संस्था कितनी बड़ी है थोड़ा ईगो आ सकता है उसमें अकेले जाके भी देखना चाहिए कभी कभी हमेशा नहीं कभी कभी अकेले भी एक्सपीरियंस करिए तो उससे क्या है कि आपके अंदर ह्यूमिलिटी और बढ़ेगी आपके अंदर शरणागति और बढ़ेगी क्योंकि उस समय आप है और कृष्ण है बस और कोई नहीं और साथ में प्रभुपादी की ग्रंथ है तो गुरु आपके साथ है कृष्ण आपके साथ है और क्या चाहिए बताइए आपको और कुछ चाहिए आपको आप कह रहे हो अकेले है अकेले कैसे हो गए आप? आपके हाथ में जब वाला है हरिनाम है आपके साथ आपके साथ गुरु है आपके साथ गुरु कृष्ण है आपके साथ पूरी गुरु परंपरा आपके पीछे खड़ी है आप कह रहे हो अकेले आप अकेले हो आप ये कभी वो सोता अकेले हो आप और बोलिए क्या प्रश्न है हेलो वही बात हो गई आप सोच रहे हैं, आप सुखदेव गोस्वामी हो जोर से हरे कृष्ण बोजी बोजी मेरा प्रश्न है भगवत गीता जब भगवत गीता जब देने जाते हैं तो एक बुक या दो बुक तक वो लेते हैं अब उनको दस बीस पचास सौ कैसे अप्रोच कर सकते हैं कैसे वो ज्यादा से ज्यादा किताबें दे हम उनको देखो ये तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ बता दूं तो देना शुरू कर दोगे आप <laughs> <laughs> ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है <laughs> हो सकता है मेरे कहने के बाद भी किताब ही ना बटे आपसे पूरे अच्छा। महीने <laughs> तो ये मत बोला कि प्रभु जी ने कहा था ऐसा हुआ नहीं फिर <laughs> फिर भी प्रभु जी आपको प्रयास करना पड़ेगा देखिए शरणागति के ऊपर है आपके चाह होना चाहिए इच्छा होनी चाहिए जब इच्छा आपकी प्रबल होगी आपकी इच्छा को देखते हुए कृष्ण के ऊपर है वो आपको कब फल देंगे माँ फलेश्वर कदाचना श्लोक याद करके जाओ आपके हाल पे कुछ भी नहीं है आप केवल बीज बो सकते हो उस बीज का सीजन कर सकते हो कल्टीवेट कर सकते हो लैंड को और जब पेड़ से फल निकलेगा वो आम मीठा होगा खट्टा होगा आपके हाथ में नहीं है फल आप देने वाले नहीं है फल ठाकुर जी देने वाले ये मान के चलो आप के एक चीज कर सकते हो केवल प्रयास कर सकते हो सेवा का आपको अधिकार मिला है फल का अधिकार नहीं मिला आपको लेकिन इसका मतलब ये नहीं लक्ष्य नहीं लक्ष्य बनाओ लेकिन याद रखो जब लक्ष्य लक्ष्य और रिजल्ट में दोनों में अंतर है बिना गोल पोस्ट के फुटबॉल मैच नहीं हो सकता है एक फुटबॉल ग्राउंड में नेहरू स्टेडियम है अगर गोल पोस्ट ही ना हो और लोग फुटबॉल खेल रहे हो कोई आएगा बताओ और जो खेल रहे हो पागल है क्या हो? और के लिए खेल रहे हैं अगर गोल पोस्ट ही नहीं है तो, तो गोल पोस्ट की तो आवश्यकता है लेकिन किसकी हार होगी किसकी जीत होगी वो आपके हाथ में नहीं है आपका खेल आपका जो आपकी जिम्मेदारी केवल क्या है उस फुटबॉल को किक करना उस खेल में खेलना That's all. आप केवल अपनी सेवा में लगे रहिए तत्परता से प्रार्थना करिए प्रयास करिए प्रार्थना करिए प्रयास करिए प्रार्थना करिए प्रयास करिए दोनों साथ साथ करिए फिर देखिए चमत्कार प्रयास जरूर करते रहना पड़ेगा अगर खाली बैठे रहेंगे देखो जहाँ खाली बैठेंगे वहां माया घुस जाएगी तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो कहा लगे यार तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना खाली बैठो ही मत माया नहीं तो कहीं ना कहीं घुस जाएगी माया को घुसने मत दो जब बात भी कर रहे हो किसी से प्रीचिंग टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब कर रहे हो उस समय आप ही मत दो कंटिन्यूसली बात, बात चलती रहनी चाहिए उसके साथ दिमाग में घुस जा जाएगी और बोलेगी कि किताब मत लो तो आपको फुली एंगेज रहना पड़ेगा क्या बोला भगवान गीता में तेम तो प्रीति पूर्वक भजन करता है दो बातें बताइए एक तो पूर्वक भजन करना है फिर क्या है सतत युक्त होना है यानी कि हमेशा सेवा में लगे रहना है दो कार्य करने हैं आपने प्रीतिपूर्वक भजन करिए और हमेशा सेवा में लगे रहिए फिर क्या बोल रहे हैं भगवान मैं उसको बुद्धि दूंगा जिसके द्वारा वो ग्रंथों का वितरण कर पाएगा भगवान गीता में बता रहे हैं ददाबी बुद्धि हो मैं बुद्धि दूंगा ये नहीं की जैसे हमारे लीला प्रभु बताते हैं कि दही और आम नहीं नहीं दही और आम नहीं है ददामी का मतलब दही और आम नहीं है ददामी का मतलब है ग्रंथ

अनर्पित कृपाई दास अनर्पित जिसने सब कुछ अर्पित ना किया हो अनर्पित है उसके है उसके बाद क्या कृपा कृपा अनर्पित अब कृपाई कर रहे है आपको सब कुछ। जब आप अपने आप को अर्पित करेंगे अनर्पित जी तो जानते हैं क्या होगा आपके लिए सारी खिड़कियां खोल देंगे ठाकुर जी ऐसे ऐसे रास्ते खोल जाएंगे आप हैरान हो जाओगे वो अनर्पित जो एक गीता बांटता था एक दिन में आज वो एक दिन में हजार गीता बांट रहा है ये चमत्कार आप देखोगे केवल चाह रखो केवल प्रयास करो बस और कुछ नहीं है देखिए इतना बड़ा मंदिर बना दिया हमारे गुरु महाराज ने नहीं चाह थी उनकी उनका डिजायर था मंदिर बन गया ये पहाड़ में मंदिर बना दिया ये तो पूरा बंजर जमीन था यहाँ पे यहां लोग आते थे मलमूत्र त्यागने के लिए महल खड़ा कर दिया ठाकुर जी का देखो एक समय में चार चार मंदिर बन रहे हैं दिल्ली में ये चमत्कार नहीं है इतना बड़ा चमत्कार है देखो रोहिणी में द्वारका में बहादुरगढ़ में यहां पे छिपीवाड़ा में फरीदाबाद में रिनोवेशन चल रहा है और छिपीवाड़ा में रिनोवेशन चल रहा है वो सब एक साथ हो रहा है ठाकुर जी दे रहे हैं ठाकुर था, जी सबको दे रहे हैं है कि नहीं हमारे पास ना इंडस्ट्री नहीं है फैक्ट्री नहीं है बिजनेस नहीं है नहीं ना फेसबुक में काम करते हैं ना गूगल में काम करते हैं कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करते हैं ना अठारह घंटे करते हैं ना पंद्रह घंटे करते हैं फिर इतने सारे मंदिर कैसे बन रहे हैं ये है ठाकुर जी की <laughs> और ये सब देखने के बाद भी पश्चन अभी नी फिर भी हमें विश्वास ही होता में अरे ये आप शरण करके देखिए शरणागत होकर देखिए फिर देखिए चमत्कार तो एक साथ जितने सारे मंदिर बन सकते हैं जो कि छोटे मोटे मंदिर नहीं बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं रोहिणी में मंदिर जो बन रहा है इससे बड़ा बन रहा है द्वारका में बनेगा वो पूरा द्वारका का ऐश्वर्य दिखाएंगे वहां पर जानते द्वारका का मंदिर सौ करोड़ से कम का नहीं है नाइट और वहां पे जो अपना जो है रोहिणी का मंदिर कम से कम इतना ही होगा पचास सौ हो के बीच में होगा अभी उससे कम नहीं होगा रोहिणी का मंदिर जाके देखिए बहादुर का मंदिर जो है हा बहादुरगढ़ का मंदिर वृंदावन के मंदिर से भी बड़ा बन गया है जाके देखिए आप हैरान हो जाएंगे देखिए कैसे हो रहा है ये चमत्कार ये है प्रभुपा जी का चमत्कार जो उन्होंने जो है पूरी शक्ति सौंप दी अपने शिष्य को और आप सबको भी ये बस सोचिएगा कि हमारे गुरु महाराज एम्पावर्ड है हम नहीं हो सकते आप भी एम्पावर्ड हो सकते हैं अगर आप शरणागत हो जाए तो वो सारी शक्ति आपको भी मिलेगी केवल ठीक से कनेक्शन होना चाहिए आपका बस जहां कनेक्शन सही होगा वहां सारी एनर्जी फ्लो करेगी सही मूड पकड़िए और सही शिक्षा लीजिए समर्पित भाव से लग जाइए सेवा में फिर देखिए भगवान कितनी बुद्धि देते हैं आपको ठीक है ना अरविंद जी ठीक है ना करेंगे ना फिर कितनी गीता कर रहे हैं आप एक हजार एक हजार से क्या होगा यार एक हजार तो आज ही हो जाएगा आपका अभी तो बताया मेरे आपका एक हजार हो जाएगा कम से कम दो हजार गीता करो आप ठीक है प्रयास करोगे yes, तालियां बजाइए के लिए तालियां और जोर से बजाइए और जोर से और जोर से और जोर से प्रोपाजी का प्रिंसिपल बड़ा क्लियर था डबल इट प्रोपर्जी क्या था डबल इट जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर सुनते थे प्रोपाजी तो प्रोपारी बोलते डबल इट नाउ डबल इट ये स्लोगन होना चाहिए हमारे अगली बार से हम क्या करेंगे एक टी शर्ट बनाएंगे सबके लिए डबल इट उसमें लिखा होगा डबल इट ज्वाइन book मैराथन डबल इट हमारे हनुमान जी देखिए हनुमान जी रे समुद्र पार करके लंका पहुंच गए पूरे रावण की लंका जला दी और हनुमान जी क्या करते हैं इन ग्रंथों को लेके जाते हैं समुद्र पार और ग्रंथों का वितरण करते हैं <laughs> हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ा उनकी शक्ति का वो नहीं जानते थे उनकी शक्ति क्या है उनको बताना पड़ा आप वायु पुत्र आप ये कार्य कर सकते हैं समुन्द्र लांग के भी जा सकते हैं वापस भी आ सकते हैं आप नहीं जामा ने कहा नहीं नहीं अब मेरे पास उतनी शक्ति नहीं रही है लेकिन हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा था तो आप सबको हम याद दिला रहे हैं कि आप सब भगवान कृष्ण के सनातन अंश हैं जीव लोग जीव भूत सनातन ये क्यों भूल रहे हैं आप कृष्ण के सनातन अंश होकर आप बोल रहे हैं नहीं कर सकते आप करोगे ना दो हजार की तक पक्का यस yes, yes. तो एक दिन में कितने कितने लोगों को मिलोगे आज प्रभु जी आज दो तीन लोगों से मिलने का दो तीन नहीं कम कम से आप तो ऐसे कह रहे हो मुझे प्रभु जी पास होना है तो फेल होने की पूरी संभावना रहती है फिर और कोई कहे प्रभु जी मैं हंड्रेड परसेंट लाना चाहता हूं 90 परसेंट लाना चाहता हूं प्रोपा जी बोलते सही है तो हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए प्रौपादी की तरफ बड़ा सोचिए प्रौपादी की तरह बड़ा जितना सोचे, बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा प्रयास भी करेंगे फिर हमने बताया था लास्ट टाइम प्रौपाजी के बारे में <Kellis -t cigar intentar> कितना बड़ा सोचते थे फ्रांस के बारे में बताया था पिछली बार नहीं फ्रांस प्रौपादी गए थे एक चर्च में और इस तरह का शैंडेलर देखा प्रौपाल ने जानते प्रौपाल ने क्या बोला शैंडेलर के बोलते हैं हमारा जो सोलर सिस्टम है ये शैंडलर के शेप में है के जो 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 है सारे जो है है सारे वो हो रहे हैं और जो है, ये भारी था का कम कम से ियर होना चाहिए में जो हम टेंपल बना रहे हैं हम दिखाएंगे पूरा वैदिक प्लेनेटोरियम और दो टन से भी ज्यादा भारी जो है वो शैंडलीयर जो टेम्पल हॉल के बीच में लगेगा गोपुरम से नीचे दो टन मतलब जानते कितना होता है एक टन कितना होता है एक हजार के जी एक टन दो हजार किलो दो हजार किलो दो उससे भी ज्यादा भारी है वो ये शैंडलियर प्रौपा जी कहां पर बता रहे हैं फ्रांस में जबकि मायापुर में जमीन भी नहीं खरीदी थी और दूसरा प्रउपा जी कैलकटा में गए मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल से गुजर रहे थे प्रउपा ने कहा ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल क्वीन ऑफ विक्टोरिया के नाम से बना था लेकिन ये लोग ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट इनको शायद इतनी क्षमता नहीं है मेंटेन करने की इनसे बात करो हम ये ले सकते हैं प्रौपा जी कह रहे

प्रोपा ने घेंटे का शिकार किया इसलिए प्रोपा जी सक्सेसफुल है तो अपने टारगेट्स को थोड़ा बड़ा करिए आप देखिए आप बोलता बोलता है कोई बोलता है कोई अरे कम से कम बोलने में क्या हजार बोलो यार कम से कम से बोलने बोलने में में क्या है बोलने में भी घबरा रहे आप बोलो कम से कम कि मैं हजार गीता करूंगा और हजार गीता करने के लिए क्या करना होगा उतने अधिक से अधिक लोगों से मिलना होगा लोगों से मिलिए जनसंख्या की कमी तो नहीं हमने बताया आपको पहले से तो क्यों आप चिंता कर रहे हो आज पच्चीस लोगों से मिलने का टारगेटेट आपका हमसे आप पूछेंगे अगली बार अगले संडे भी बैठने वाले हम यहां पे तो अगले संडे में पूछूंगा आपसे कि आप कितने लोगों से मिले थे पिछले संडे तो सब लोग गवा है कम से कम पच्चीस लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे तालियां बजाइए इनके लिए और तालियां बजाइए हमने ये नहीं कहा कि आप कितने गीता करोगे हमने कहा आप पच्चीस लोगों से मिलोगे याद ये या आपका टारगेट और बताइए और कोई प्रश्न है तो थैंक यू वेरी मच आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप सब आए और आप लोगों ने बहुत समय दिया है और हम उससे रिक्वेस्ट है प्रसाद लेते ही आप संकीर्णन ऑफिस में जाए या आपके बेस में गीता रखी होगी वहां से उठाएं और कृपा करके ग्रंथों को बांटे हरे कृष्ण शिला प्रभुपाद की yes. प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की Preitos.